नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना भारत शाखा सुल्तानपुर के द्वारा भीमा कोरे गांव ने शौर्य दिवस व नववर्ष मनाया। इस उपलक्ष्य में जनपद सुल्तानपुर में पुराने हवाई पट्टी पर बहुजन समाज के लोग एकत्र होकर पैदल यात्रा करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर अंबेडकर पार्क में जा पहुंचे। आज का जो ये कार्यक्रम था आपका जी, किसके उपलक्ष्य में था, किस लिए आपने ये रैली निकाली? मैं उदय प्रताप बौद्ध, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का अध्यक्ष। आज का जो कार्यक्रम था 203 साल पहले 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गांव में मुंबई और गुजरात के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था 500 महार सैनिकों के बीच 28,000 बाजीराव पेशवा के बीच। उस युद्ध को महार सैनिकों ने 500 महार सैनिकों में जीत लिया था। उसी के उनकी याद में हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे जो हर साल वहाँ पर जाया करते थे, इसलिए हम लोग भी हर साल उनकी याद को नमन करते, उनकी विजय गाथा को याद करते, क्योंकि 500 लोगों ने 28,000 को युद्ध हरा दिया था। इसी के उपलब्ध में ये कार्यक्रम किया गया और 3 साल लगातार इस कार्यक्रम हो रहे हैं। और जैसे सुल्तानपुर में जो है, ये भी तो हो सकता है एक नया चेहरा उभर रहा है। नहीं, मैं तो 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, तमाम 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। चेहरे की कोई बात नहीं है, और क्या ईमानदारी से काम करना कोई हर्ज नहीं है। मैं बहुजनों के हित की लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा और हमेशा लड़ते लड़ते शहीद होना चाहता हूँ। और पूरे देश खड़ी सेना है आपकी जी, ये किसी राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आएगी कि अपनी अलग पहचान बनाएगी? करड़ी सेना हमसे कोई मतलब है नहीं है। करड़ी सेना हिंदुओं की सेना है। ये राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का एक टारगेट है, बौद्धमय भारत, जात मुक्त भारत, बुद्धा के धर्म को वापस लाना है, भारत को पुनः बौद्धमय करना है और इस देश में हिंदू ला और मुस्लिम ला है। इसलिए हम चाहते हैं कि बौद्धों के अपना पर्सनल ला हो। हमारा एक उद्देश्य है कि बौद्ध ला होना चाहिए, बौद्धों का भी कानून होना चाहिए, क्योंकि हम बुद्धा के वंशज हैं, बुद्ध के मानने वाले, हम लोग बुद्ध के मानने वाले। बुद्ध ने कभी किसी धर्म जात का विरोध नहीं किया, हमारी संगठन भी किसी जात धर्म का विरोध नहीं करती। हम बहुजनों के अत्याचार को जो होगा उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम है और जिंदगी भर होता रहेगा। क्या सिर्फ आप बहुजन की ही लड़ाई लड़ेंगे या मान लीजिए बहुजन में सभी लोग आ जाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी सवर्ण, अगर कोई गरीब सवर्ण हमारे पास है उसकी भी मदद करेंगे बहुजनों में। अदर कास्ट का अगर किसी आप जुड़ना चाहे उसके लिए क्या कहना? उसके लिए भी जुड़ सकता है, मगर उसकी विचारधारा हमारे यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग हजारों साल से सताए हुए लोग हैं, उनके विचारधारा को हम लोग मानेंगे नहीं। और हमारी विचार, क्योंकि इस देश में आज़ादी 72 साल हुआ, मगर आज भी हम बहुजनों को न कोई ब्राह्मण ठाकुर कोई भी आदमी को थाली में खाना नहीं खिलाता, हमारे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, हमारे साथ जातीय व्यवहार होता है, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार होता है। पूरे देश में हो रहा है, इतनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि देश आज़ाद हुआ मगर आज भी मनुवादियों के गुलाम हैं हम लोग। अच्छा, आपके समाज से एक बड़े लीडर निकल के आए हैं, रावण नाम जिनका है जी जी, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, वो हमारे एक्सीडेंटल नेता हैं, मैं उनको कुछ नहीं, क्योंकि जो समाज में काम करता है उसको अनुभव रहता है। अभी जिसको बुद्ध के धर्म का ज्ञान नहीं है वो समाज और राजनीतिक पार्टी बना लिए, उनका अपना राजनीतिक उद्देश्य है। हम लोग आजीवन समाज के हित के लिए काम करेंगे और सामाजिक उद्देश्य हम लोग का है, हम लोग का सामाजिक उद्देश्य का है। अब उनका अपनी सोच है वो क्या कर रहे हैं, और इस देश में मैं किसी की टिप्पणी नहीं करूंगा, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। उनको समर्थन है कि नहीं? नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं, क्योंकि हमारा धार्मिक आंदोलन है, उनका जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है, तो बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। ना कि हम राजनीति चाहिए, मगर ईमानदार लोग होने चाहिए, बेईमान लोग नहीं होने चाहिए। और इस देश में आज राजनीति जो है गंदे लोगों के हाथ में आ गई है। आज इस देश की दशा कैसी है आप लोग दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो गई है। हमें चंद्रशेखर रावण से कोई न सिखवा है, न उनका अपना काम है, हमारा अपना काम। लगभग पिछले एक महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, उसके बारे में क्या? हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा इस बात को, मैं आपको जवाब दूंगा। भारत देश में बहुजनों के पास 99% एक बिस्सा जमीन नहीं है। भारत देश में जो बहुजन समाज है, जो हमारे ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास एक बिस्सा जमीन नहीं है। हम मजदूर लोग हैं, मजदूरों के लिए आज तक क्यों आंदोलन लोगों ने नहीं किया? आज 500 बीघा किसान के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, 250 बीघा किसान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पास एक बिस्सा जमीन नहीं है, 10 बिस्सा जमीन नहीं है। ये बहुजनों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, हम आज भी सरकारी जमीन में निवास करते हैं, हमारे पास एक बिस्सा जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। मजदूरों के लिए क्यों लोग आंदोलन नहीं करते? हम मांग करते हैं मजदूरों के लिए आंदोलन होना चाहिए। किसानों के पास तो सब कुछ है, हम तो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, मजदूरों का भी आंदोलन होना चाहिए। इसलिए मैं किसानों का आंदोलन समर्थन नहीं करता हूँ, मैं मांग करता हूँ मजदूरों का आंदोलन होना चाहिए, चाहे जिस समाज का वर्ग हो, मजदूरों के लिए कोई आंदोलन नहीं करता।
मजदूर तबका हम लोग हैं, इसलिए मैं किसानों को सम्मान। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।